हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया आज रात से। और चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं आगे थोड़ी देर के बाद। ये यहाँ पे आज आटा फिनिश हो गया था, तो ये भी मंगाए हैं। हस्बैंड लेके आए हैं, इसको निकाल के कंटेनर में रख देते हैं। ये थोड़ा इसमें चावल रखे हैं, इन दोनों को पहले अच्छे से रख देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आटा रख दिया डिब्बे में, इधर मैंने चावल भी रख दिया। रात में आज मैं जा रही हूँ चावल बनाने। सुबह हम लोग नहीं खाए थे, तो चावल आज बनाएंगे रात में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ मेरी मॉर्निंग की चाय बन रही है। ये हमारी चाय है। आज बथुए वाली दाल बनाएंगे। यहाँ पे दलिया है, मीठा दलिया। यहाँ मेरा कुकर गर्म हो गया, मैं उसमें थोड़ा तेल डालती हूँ। और ये देखिए, मैंने सब कट करके रखा है। आज मैं डिफरेंट टाइप की दाल बनाऊंगी बथुआ सब ऐड करके। अभी आपको दिखाते हैं इसकी रेसिपी। ये ऑयल डाल दिया है, अब इसको मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी। जा रहे थे सिंपल सी दाल बनाने, बट अचानक से दिमाग में आया कि लो डिफरेंट टाइप की थोड़ा दाल बनाते हैं। मूड चेंज हो गया, डिफरेंट टाइप की दाल बना रहे हैं, कुछ चटपटा। ऑयल गर्म हो गया था, मैंने इसमें जीरा का तड़का दे दिया है। अब मैं अनियन ऐड करती हूँ इसी में। जीरा भी हो गया है, यहाँ पे मैं दाल बना रही थी और मेरे बेटो जी उठ गए। मैं इनको गोदी में ली हूँ। अब मैं आपको रेसिपी कैसे दिखाऊं? एक्चुअली मुझे अपने हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ता है। देखते हैं, अभी ये इनको छोड़ ही नहीं रहे हैं। ये यहाँ पे प्याज देखिए अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें तुरंत ही लहसुन की पुड़िया ऐड करेंगे, तुरंत ही मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। सब्जी मसाला ऐड कर दूंगी इसमें। थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी, और ये जो बथुआ कट किए थे इसको ऐड कर देंगे। और
और उसमें अब जाने सॉल्ट ऐड करेंगे और दाल जो धुल के रखे हैं उसको ऐड करेंगे। अरहर की दाल है मैंने अब इसमें दाल को ऐड कर दिया है, फिर उसके बाद सॉल्ट ऐड करेंगे। दाल डालने के बाद मैंने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया था, अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। ये सब पानी जितना ऐड करना था ऐड किया, मैं कुकर के ढक्कन को बंद कर देती हूँ और फिर इसको होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल बन के ये रेडी हुआ है, इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दाल को बर्तन में निकाल लिया है। ये देखिए कितना यमी लग रहा है, चटपटा सा दाल आज मैंने बनाया है। दूध वाले अंकल आ गए थे तो मैंने दूध भी लेके रख दिया है गर्म होने के लिए। दाल वाले कुकर में ही जा रहे चावल धुल के डाल देंगे बनने के लिए, चावल बन जाएगा। चावल रख दिया बनने के लिए, दूध भी मेरा गर्म हो गया है। यहाँ पर धूप में जा रहे हैं बाबू को मालिश करने सरसों के तेल और कपूर से आज, तो मैंने सब बिछा दिया चटाई उटाई। ये है हमारी लंच थाली। मैं यहाँ पे छत पे आई हुई हूँ, कपड़े ढेर सारे डाले थे तो सूख गया उसको लेने, और बेटी सो गया है नीचे तो मैंने सोचा लो चले छत पे कपड़े उठा लाएं, नहीं तो फिर वो उठ जाएगा तो ले नहीं पाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने जो आज बथुए का दाल बनाया था ये रेसिपी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। बिलीव मी गाइस, इतना टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा बना था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दें। ये रेसिपी आप लोग भी प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा, और मेरी ये खुद की रेसिपी है और मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। ऐसे अचानक से मैं दाल बनाने जा रही थी, सिंपल वाली दाल, फिर मैंने सोचा लो बथुआ रखा है ऐसे करके दाल बनाए, और बनाए इतना टेस्टी बना था। तो प्लीज़ गाइज आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी और मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।